नॉट द रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स के बेस पे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं कहेंगे, उसको बेवकूफी कहेंगे। इसी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसी वजह से लाखों बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी डीपली तो समझा ही नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या, ना आपने ना आपके घर वालों ने। तो उन्होंने क्या आपके माइंड में डाल दिया, बेटा तेरा होगा, बेटा तेरा, शुभ शुभ बोल, जरा सा मुंह से भी निकल जाए ना कि मेरा नहीं हुआ तो, अरे नहीं बेटा तू क्यों नेगेटिव सोचता है, तू तो बहुत ही नेगेटिव है। नहीं, ऐसे ऐसे डायलॉग सुनने को नहीं मिलते हैं। शुभ शुभ बोल, होगा ना, होगा ना, होगा ना, माता रानी हमारे साथ है, ये भगवान हमारे साथ है, वो सारे भगवान सारे देवी देवता आपके साथ है, आप ही के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है, है ना। सोचने वाली बात है वैसे, जो भगवान है वो आपके साथ है या बाकी भी जो दे रहे हैं उनके साथ है, क्योंकि अगर उनके साथ है तो आपका नहीं होगा, कुछ का ही होगा ना। तो किसके साथ है, सबके साथ है तो सबका क्यों नहीं हो रहा। पहले इस एटीट्यूड में फ्लॉ देख लेते हैं कि इस एटीट्यूड में फ्लॉ क्या है, जिसको मैं कह रहा हूं ये पॉजिटिव नहीं है, फूलिश एटीट्यूड है। आपने रिजल्ट के बेस पे अपने एटीट्यूड को डिफाइन कर दिया। अगर बार 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 अपने आप को बोलते रहोगे मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा पक्का होगा, मेरा पक्का होगा, तो कुछ दिन तक अगर ये बोलते रहे ना, जैसे कुछ भी बकवास अगर आप बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे, तो आपका माइंड उसको सच मान लेगा, तो आपको लगने लग जाएगा कि मेरा तो पक्का होगा। और अगर इसके बाद भी आपका नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत मजा आएगा या झटका लगेगा कि ये क्या हो गया। जितना स्ट्रांगली आपने मान रखा होगा कि मेरा होगा, जितना स्ट्रांगली उतना ही बड़ा झटका लगेगा। सही बात है या नहीं है? मतलब स्ट्रांगली मानने का मतलब क्या है, जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन उतना ही बड़ा झटका, जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती उतना ही बड़े लेवल पे आपका दिल टूटेगा, उतना ही आपको बुरा लगेगा। अब यहां पे क्या किया जाए, क्योंकि जो होना है या नहीं होना है क्या वो आपके हाथ में है? क्यों नहीं आपके हाथ में? आप कहते रहे नो सर, क्यों नहीं आपके हाथ में? जैसे कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बॉटल पड़ी है, इस बॉटल को मैंने उठाना है, क्या ये मेरे हाथ में है या नहीं है? कितना मेरे हाथ में है, मतलब इज इट 1%, 2%, 100%? गया बॉटल को उठाया, काम खत्म हुआ। मैं कह रहा हूं एंट्रेंस में होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? सीट लिमिटेड है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो ना। सोचो इसी बॉटल को उठाने के पीछे कॉम्पिटिशन होता, यहां पर अभी मैंने अकेले ने उठाया, लेकिन मैं आपके बीच में कॉम्पिटिशन करा दूं, जो भी आकर के सबसे पहले इस बॉटल को उठाएगा और अगले 5 मिनट बाद भी जिसके हाथ में बॉटल होगी उसको 1,00,000 रुपए मिलेगा। बोतल तो बचेगी, आप नहीं बचोगे। बिल्कुल इसी तरह से होता है जब हम कॉम्पिटिशन में अपना जो एटीट्यूड है या अपनी जो पॉजिटिविटी है वो डिफाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। एक्शंस में क्या क्या आ गया, जो भी एक्शंस आपने पास्ट में लिए हैं या अभी प्रेजेंट में ले रहे हो या फ्यूचर में लेने वाले हो। इट मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स। क्यों इट मस्ट नॉट बी बेस्ड अपॉन रिजल्ट्स? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो नंबर वन हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से डर भी उसी लेवल पे बढ़ जाता है, और ज्यादा डर डर करके आप किसी काम को करते हो तो आप नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आपके एक्शन 100% हो, जो भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको जिस लेवल के एक्शंस लेने पड़ेंगे, एक्शंस अगर 100% हो, एक्सपेक्टेशन 0% हो, तब क्या चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के? ऑलमोस्ट 100%। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एटीट्यूड एंड पॉजिटिविटी एंड दिस पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है,